स्वागत आपका एक और नई लेटेस्ट वीडियो में। आज हमारे पास है द टोयोटा रूमियन। इसके बारे में बहुत क्वेश्चंस आ रहे थे कि टोयोटा की तरफ से कब रूमियन आएगी, क्या डिफरेंसेस होंगे और एक्चुअल में आपको क्या मारुति सुजुकी की तरफ जाना चाहिए या फिर टोयोटा की तरफ जाना चाहिए। आज की इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ, क्योंकि डिफरेंस तो है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लें सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। अब ये ग्रिल लाइट्स वगैरह बताने से पहले मैं आपको ब्रांड वाइज डिफरेंस बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो वारंटी का सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो आ जाता है, बिकॉज मारुति सुजुकी में आपको मिलती है 2 ईयर्स की वारंटी विद 40,000 किलोमीटर्स, लेकिन अगर आप टोयोटा की तरफ जाते हो तो आपको 3 ईयर्स 1 लाख किलोमीटर्स तक की वारंटी मिल जाती है। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, आपके लिए मेरे पास एक और गुड न्यूज़ है कि अगर आप इसको, कंपनी तो यही क्लेम करती है कि टोयोटा की सर्विस जो है वो आपको कम पे करनी पड़ेगी बिकॉज ऑफ दी टाइप ऑफ सर्विसेज दे प्रोवाइड। 1 घंटे की इनकी एक्सप्रेस सर्विस भी अवेलेबल रहती है और कहीं ना कहीं मेंटेनेंस कॉस्ट का भी डिफरेंस यहाँ पर कंपनी क्लेम कर रही है, इनफैक्ट वेयर एंड टेयर का भी, बिकॉज अब जो सर्विसिंग में जो लुब्रिकेंट्स यूज़ होंगे, जो इंजन ऑयल यूज़ होगा, वो भी इनके स्टैंडर्ड्स डिफरेंट है। तो सर्विस जब अलग तरीके से की जाती है तो कंपनी का कहना है कि हमारी क्वालिटी थोड़ी बेटर रहती है, तो वेयर एंड टेयर होता है कम, उसकी वजह से पार्ट्स की रिप्लेसमेंट जो है वो और ज़्यादा डिले हो जाती है। इसका मतलब आपका बहुत सारा पैसा बचता है। सो दिस इज़ द मेजर डिफरेंस दिखने के अलावा वाला, और प्राइस का फ़र्क तो है ही ऑफकोर्स, और वेरिएंट्स का यहाँ पर फ़र्क आ जाता है। तो ये तो हो गया ब्रांड का डिफरेंस कहीं ना कहीं, लेकिन आप शुरू करते हैं इसके लुक्स में और फिर धीरे धीरे आपको बताता रहूँगा इसके वेरिएंट्स और इसके प्राइस के बारे में भी। तो सबसे पहले अगर आप फ्रंट लुक इसका ध्यान से देखोगे तो आपको ये ज़्यादा अग्रेसिव नज़र आएगी। वो क्यों? क्योंकि आपको क्रोम का काम काफ़ी देखने को मिलेगा। हेक्सागन आपको हनीकॉम शेप में आपको ग्रिल भी मिल जाती है, जो कि अगेन टोयोटा के लोगों के साथ ग्रिल थोड़ी और कॉम्प्लिकेटेड लग रही, थोड़ी सोफिस्टिकेटेड लग रही, ज़्यादा सिंपल नहीं लग रही। तो ये चीज़ मुझे पर्सनली अच्छी लगी कि थोड़ी सी प्रीमियम कैटेगरी वाली साइड की एटलीस्ट आपको ग्रिल नज़र आती है। साथ के साथ फॉगलम की हाउसिंग का डिफरेंस है। नीचे आपको एयर इनटेक के पास, यानी कि पूरी की पूरी जो नीचे बम्पर भी दिया गया, वहाँ पर भी आपको थोड़ी सी जो क्रोम है वो ज़्यादा देखने को मिलेगी, और इसी बम्पर की वजह से इसकी लेंथ भी ज़्यादा है। हालांकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं, 25 mm की लेंथ का डिफरेंस आया था, तो कहीं ना कहीं रूमियन की लेंथ थोड़ी बड़ी है। लेकिन अगर हम बिल्कुल गाड़ी को साथ साथ भी खड़ा कर देंगे अर्टिगा रूमियन, तो नहीं पता लगेगा, बिकॉज थोड़ा सा बहुत ही माइनर फ़र्क है, क्योंकि सिर्फ ग्रिल की वजह से ही ये डिफरेंस आता है लोगों की एम्बेडमेंट की वजह से। उसके अलावा कोई और डिफरेंस नहीं है फ्रंट लुक में। लाइट्स, प्रोजेक्टर आपको वही मिल जाती है हैलोजन में ही, साथ में ही आपको हैलोजन हाई बीम मिल जाएगा। बल्ब सेटअप में आपको टर्न इंडिकेटर और हैलोजन ही आपको फॉग लैम्प्स ऑफर किए जाते हैं। फ्रंट में ऑफकोर्स लोगो का ही डिफरेंस आएगा, ग्रिल का मैंने आपको बता दिया, नीचे यहाँ पर फ़र्क है, क्रोम का डिफरेंस है। उसके अलावा एज सच फ्रंट जो है अर्टिगा और रूमियन में कोई डिफरेंस नहीं है। बट आपका अब एक काम है, इसकी फ्रंट देखो और अर्टिगा की फ्रंट देखो, किसकी ज़्यादा अग्रेसिव, किसकी ज़्यादा अपीलिंग लग रही है कमेंट करके ज़रूर बता देना। साइड में सबसे बड़ा डिफरेंस जो आया था वो आया था इसके अलॉय व्हील्स का। अब इसका डिज़ाइन अलग है, हालांकि साइज़ सेम, टायर साइज़ सेम, डिस्क सेम, सिर्फ और सिर्फ एलॉय के डिज़ाइन का जो है वो डिफरेंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और मुझे कहना कि ये ज़्यादा स्पोर्टी लगा, बट अगेन चाहे अर्टिगा हो चाहे रूमियन, मुझे लगता है 16 इंचेस के बहुत अच्छे लगने थे, पर उससे माइलेज भी कम हो जाती, उससे कंफर्ट का भी फ़र्क आता था। तो 15 इंचेस प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन लुक्स में 16 अच्छे लगते, बट अगेन कौन से ज़्यादा अच्छे लग रहे, अर्टिगा या रूमियन? लेंथ की बात कर रहा था ना, तो फुल डायमेंशंस का चार्ट एक बार आपके लिए फिर से लगाते हो, एक आइडिया हो जाएगा कि अर्टिगा हो चाहे रूमियो ने उसकी लेंथ, विड्थ, हाइट, ग्राउंड क्लियरेंस कितनी है। लेकिन साइड में एलॉय व्हील्स के अलावा ऐसा आपको कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। बाकी अगर फीचर्स में मिलता क्या, एक बार फिर से बताया था कि आपको मिल जाते हैं टर्न इंडिकेटर्स ऑन द ORVM, रिक्वेस्ट सेंसर के साथ साथ क्रोम डोर हैंडल्स। रूफ रिल्स नहीं मिलेंगे बिकॉज इस गाड़ी में शायद अच्छे भी ना लगते। और पीछे की तरफ आते आते ये जो डोर है, दैट्स मैसिव डोर, ताकि आप थर्ड रो में जाना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाए, बड़ी क्वार्टर विंडो तक मिल जाती है। रियर में कुछ डिफरेंसेज है, आओ दिखा देता हूँ। अगर आप रूमियन की रियर साइड देखोगे तो आपको 4 मेजर डिफरेंस देखने को मिलेंगे। टोयोटा का लोगो, क्रोम की ये स्ट्रिप, रूमियन का बैज, और यहाँ नियो ड्राइव वी, यानी कि ये नियो ड्राइव वाला जो वेरिएंट है वैसा आपको देखने को मिल जाएगा। अब नियो ड्राइव क्यों? क्योंकि इंजन में डिफरेंस है या नहीं वो अभी आपको इंजन वाली टाइम पे बताऊंगा, बट अगर हम रियर की ओवरऑल देखेंगे तो 4 ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, उसके अलावा कुछ भी डिफरेंट नहीं है। यहाँ पर आपको डिफॉगर, हाई स्टॉप लैम्प, छोटा लेकिन हालांकि मुझे अच्छा लगता है अगर थोड़ा बड़ा होता तो, वॉशर मिल जाएगा, वाइपर मिल जाएगा, प्रॉपर LED ट्रीटमेंट मिल जाएगा एक बड़े टेल लैम्प्स के साथ, और हेलोजन आपको 2 लाइट्स मिल जाती हैं इंडिकेटर की और रिवर्स की भी। रिवर्स पार्किंग सेंसर देखोगे तो आपको 4 यहाँ पर ऑफर किए जाते हैं। पीछे की तरफ स्किड प्लेट में कोई डिफरेंस नहीं, सिर्फ फ्रंट ही थी जहाँ पर बम्पर का डिफरेंस था। उसके अलावा आपको कैमरा जो है वो यहाँ पर देखने को साइड पर मिल जाएगा, और बूट स्पेस चलो वो भी देख लेते हैं।
209 लीटर्स की आपको बूट स्पेस मिल जाती है। सीट्स अगर आपने पूरी पीछे तक की हुई हैं, सीक्रेट कंपार्टमेंट नीचे मिल जाएगा, कुछ और सामान अगर आप रखना चाहते हो टूल किट से लेकर बैग्स तक, अपने शूज़ तक। इसके अलावा अगर आप इन सीट्स को कर देते हो फोल्ड तो आपको 550 लीटर्स की जो बूट स्पेस मिल जाती है, चाहे रूमियन हो चाहे अर्टिगा। अब अच्छी चीज़ ये है कि इन सीट्स को आप मल्टीपल लेवल पर रिक्लाइन करके लॉक कर सकते हो, तो 7 स्टेप आपको रिक्लाइनिंग मिल जाती है विच लुक्स फाइन, बिकॉज उसकी वजह से आप सामान ज़्यादा रख पाते हो, और अगर आगे ज़्यादा यूज़ नहीं हो रही है तो उससे भी ज़्यादा सामान रख पाओगे। फीचर्स में आपको 2 कप होल्डर्स ही ऑफर किए जाते हैं थर्ड रो के लिए। ध्यान रखिए कि जो 12 वोल्ट का सॉकेट है वो भी आपको मिल जाता है लेफ्ट साइड पे आगे की तरफ। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट मैसेज, चाहे गाड़ी हो 2 सीटर, 4 सीटर या इस तरीके की 7 सीटर, आपको चाहिए एक प्रीमियम कार परफ्यूम। मेरे पास है इन्वॉल्व 1 का प्रीमियम लेकिन अफोर्डेबल मोहितो लेमन फ्लेवर का कार परफ्यूम, जिसकी फ्रेग्रेंस इज जस्ट अमेजिंग। अलग अलग फ्लेवर्स भी अवेलेबल हैं, मेड इन इंडिया है, लीक भी नहीं होता, और 10% डिस्काउंट भी मिल रहा है। कार गाइड कूपन कोड लगाना ना बोले, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब गाड़ी का इंटीरियर, इसके बारे में तो डिस्कस कर लें, बिकॉज यहाँ पर आपको कुछ भी डिफरेंट नहीं मिलेगा, सब खुद सेम मिलने वाला है। यहाँ पर वही आपको 7 इंचेस की स्क्रीन मिलेगी एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले वाली, लेकिन 2 डिफरेंसेस आपको मिलेंगे। जैसे कि जब आप इसको ऑन करते हो तो सुजुकी का नहीं टोयोटा का लोगो आता है, और टोयोटा के ही कनेक्टेड फीचर्स आते हैं। आपको एक प्रॉपर स्क्रीन इसकी दिखा भी देता हूँ यूज़ करके। ध्यान से देखेंगे तो अब आपको यहाँ पर टोयोटा का लोगो देखने को मिलेगा, आवाज़ वही वाली मिलेगी। यहाँ पर ये डिफरेंस आता है, टोयोटा के कनेक्टेड फीचर्स यहाँ पर आपको ऑफर किए जाते हैं जब अपने फ़ोन पे एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे, और यहाँ पर भी यूज़ करोगे तो वो आएंगे। बस यही डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। यूज़र इंटरफेस भी अगर आप देखेंगे तो वो जो नया सुजुकी का आया है बिल्कुल वैसा ही आपको देखने को मिल रहा है, विद द फ्यूल, एनर्जी फ्लो, स्पीड, नेविगेशंस, डोर ओपन वगैरह सब कुछ आपको वैसा ही देखने को मिलेगा। इनफैक्ट एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले का तो लेआउट सेम ही रहता है, जौन सी मर्जी गाड़ी आप परचेज कर लो। चाबी टिपिकल वही स्टाइल आपको मिलेगा, लॉक अनलॉक और टोयोटा का लोगो। लेकिन साथ में अगर देखेंगे तो लोगो यहाँ पर भी आपको टोयोटा का लोगो ही देखने को मिलेगा, ना कि सुजुकी का। बट अगर हम इंटीरियर की क्वालिटी, डिज़ाइनिंग, फीचर्स की बात करें, देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। वही आपको चीज़ें जो है वो मिल जाती हैं, चाहिए वुडन ट्रीटमेंट ऑन द डैशबोर्ड, वुडन ट्रीटमेंट ऑन द स्टीयरिंग व्हील, लेदर रैपिंग यहाँ पर भी मिल जाएगी, पैडल शिफ्टर्स विद द ऑटोमेटिक वेरिएंट, साथ में आपको कूल्ड कप होल्डर्स के साथ साथ 12 वोल्ट का सॉकेट, यूएसबी पोर्ट, ऑटोमेटिक एसी, और ये वुडन ट्रीटमेंट से अच्छा ज़रूर लगता है, काफ़ी डिफरेंट हो जाता है। और एक ब्लैक्ड आउट ग्लव बॉक्स भी, जो कि कूल्ड तो नहीं है शायद, हाँ कूल्ड नहीं है आता ये वाला। आर्मरेस्ट है वो आपको स्लाइडिंग मिल जाएगी, साथ के साथ इसको ओपन अगर आप करना चाहते हो बहुत ही छोटी सी स्टोरेज भी आपको मिल जाती है। साथ में आपको मिल जाता है मैनुअल IRVM, हैलोजन लाइट और पैनोरामिक सनरूफ जैसा कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पर। ऊपर आपको मिल जाते हैं इसके एसी के चीज़ें, क्योंकि एसी का वेंट यहाँ पर एसी सक करने के लिए, और पीछे एसी अपनी हवा को मारता है पीछे सेकंड रो और थर्ड रो के लिए भी। तो ऊपर आपको एसी का यूनिट, ब्लोअर यूनिट जो है वो मिल जाता है। ओवरऑल फीचर्स वाइज कोई डिफरेंस नहीं है, वैसे ही आपको 4 एयरबैग्स मिलेंगे टॉप वेरिएंट में, यानी कि ड्यूल आगे और एक एक आपको साइड पर भी। बताया था ना वुडन ट्रीटमेंट अच्छा लगता है, इवन डोर साइड पे भी आपको ये मिल जाता है विद योर ट्विटर एज वेल, बिकॉज 4 स्पीकर्स, 2 ट्विटर सिस्टम मिल जाएगा क्रोम डोर हैंडल्स के साथ, सारे विंडो के कंट्रोल्स इस तरफ, बट ये वुडन ट्रीटमेंट है जो मेरे को हाईलाइटेड लगता है। कंफर्ट और कन्वीनियंस को ऐड करने के लिए आपको हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट भी मिल जाती है, जो कि मैनुअली एडजस्टेबल है। उसके अलावा स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स तो आपको ऑफर किए जाते हैं, 4.2 इंचेस की MID, और ऑफकोर्स आपको क्योंकि ब्लू एसेंट्स देखने को मिलेंगे यहाँ पर, स्पीडोमीटर और टैकोमीटर भी, बिकॉज अगेन ये माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम के साथ आती है, जिसमें आपको यहाँ पर ये ऑटो ऑन ऑफ वाला यानी कि आइडल स्टार्ट स्टॉप की टेक्नोलॉजी भी मिल जाती है, जिसकी वजह से आपकी माइलेज जो है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। अगर हम माइलेज की बात कर ही रहे हैं तो आपको 20.5 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज क्लेम्ड मिलती है विद द पेट्रोल, एंड अगर आप इसका CNG वेरिएंट लेते हो तो 26.something किलोमीटर पर kg की माइलेज आपको CNG में भी मिल जाती है। लेकिन अगर आप इसकी रियल लाइफ माइलेज देखना चाहते हो तो हमने अर्टिगा की पेट्रोल और CNG की रियल लाइफ वाली वीडियो बनाई है, चेकआउट करना ना बोले, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। रूमियन या अर्टिगा, जब भी किसी को स्पेस चाहिए होती है ना तो उसको अर्टिगा या रूमियन की ही याद आएगी, और यहाँ पर आपको अच्छा खासा नी रूम, प्रॉपर अंडर थाई सपोर्ट, लेग रूम भी मिल जाता है, अच्छा खासा आपको हेड रूम भी मिल जाता है। ये बढ़िया लगता है कि इतनी स्पेशियस गाड़ी है, आपको हर तरफ से स्पेस मिलती है, 3 लोग आराम से बैठ भी पाते हैं, सीट्स की क्वालिटी इज़ रियली गुड, 12 वोल्ट का सॉकेट है, स्टोरेज स्पेसेस यहाँ पर भी मिल जाएंगी, AC वेंट भी आपको प्रॉपर मिल जाते हैं, वो भी 4-4, जिसकी वजह से आप 2 पीछे कर दो और 2 अपने पास रख लो, तो 2 अपने पास रख के आप भी ठंडे पीछे भी ठंडे, तो लड़ाइयाँ होंगी ही नहीं। और साथ के साथ अगर आप अच्छी चीज़ देखोगे तो एक सेकेंड कप होल्डर तो यहाँ नहीं मिलता, ये सिर्फ आर्मरेस्ट है, बट दिखानी ज़रूरी है कि ये किस तरीके का कंफर्ट प्रोवाइड करती है।
तो यहाँ पर लॉक हो जाती है, तो विच मीन्स कि आपको एक अच्छी प्रॉपर मिल जाती है आर्मरेस्ट। तो अच्छी आर्मरेस्ट होने के सबसे अच्छा बेनिफिट होता है कि अगर आप सोना चाहते हो तो इनको रिक्लाइन करो। ये भी काफ़ी ज़्यादा पीछे तक रिक्लाइन हो जाती है, और अब मैं आराम से रिलैक्स करके सोना चाहूँ तो आराम से सो सकता हूँ। तो अर्टिगा इस मामले में मुझे बहुत बढ़िया लगती है कि कम्फर्ट इज़ रियली गुड, और अर्टिगा हो चाहे रूमियन हो, दोनों में कम्फर्ट आपको पूरा मिल जाता है, चाहे फर्स्ट रो हो, सेकेंड रो हो या थर्ड रो। चलो देखते हैं। वाइड डोर इंग्रेस और रिग्रेस के लिए बहुत अच्छा होता है, यानी कि अंदर बैठने और बाहर आने के लिए भी, और बड़े डोर की अच्छी चीज़ होती है स्टोरेज स्पेस भी मिल जाती है, प्रॉपर बड़ा बॉटल होल्डर, फाइल्स रखने की अच्छी खासी जगह, और साथ में क्रोम डोर हैंडल यहाँ पर भी मिल जाएंगे, और ऑफकोर्स पावर विंडोज तो मिल ही जाती है। बट इसका सबसे अच्छा बेनिफिट ये होता है कि आपको जाने की जगह काफ़ी होती है, जैसे कि थर्ड रो में अगर आप जाना चाहते हो तो इसको वन टच ऐसे, और ये पूरा का पूरा आगे स्लाइड हो गई और रिक्लाइन भी हो गई, लेकिन पीछे सीट मैंने ऊपर करना भूल गया था, तो एक सेकंड रुको जरा। अब बारी आती है थर्ड रो की। थर्ड रो में आपको तीन चार चीज़ें बहुत अच्छी मिल जाती है, जैसे कि क्वार्टर विंडो साइज इज़ रियली गुड, आपको व्यू अच्छा मिल जाता है, क्लोस्ट्रोफोबिक बिल्कुल भी फील नहीं होता। प्लस आपको जो सीट्स की हाइट है, यानी कि फर्स्ट रो यहाँ, सेकंड रो यहाँ, थर्ड रो यहाँ, तो उसकी वजह से भी आप काफ़ी अपराइट बैठना महसूस कर पाते हो। माई हाइट इज़ 5'9", फिर भी मेरे को हेडरूम डिसेंट मिल जाता है, नी रूम भी अच्छा मिल रहा है, और साथ में अंडर साइड सपोर्ट और लेग रूम भी डिसेंट है। थर्ड रो के हिसाब से तो आपको डिसेंट मिल जाता है। हाँ, अगर आप किसी छोटे बच्चे को उठाना चाहते हो फिर तो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप मेरी जितने हो, मेरे से कम थोड़े से ज़्यादा हो, तब भी बैठ पाओगे। बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ आती हैं 7 सीट इससे बड़े बड़े सेगमेंट की, जिसमें इतनी भी स्पेस नहीं होती, और बूट स्पेस तो होती नहीं इसमें, फिर भी है 209 लीटर की बूट स्पेस आप यूज़ कर सकते हो। और अगर आपके पास बड़े बैग है तो इन सीट्स को थोड़ा थोड़ा आगे रिक्लाइन करो, जिसमें आप छोटे बच्चे बिठा के अगर आप इनको रिक्लाइन कर सकते हो तो कर लेना, ताकि आप बड़े बैग्स पीछे रख पाओगे, या एक फोल्ड करके भी आपके पास स्टोरेज एक्स्ट्रा बन जाती है, इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रख लें। बाकी बॉटल होल्डर्स हैं, 12 वोल्ट का सॉकेट है, लाइट मिल जाती है हैलोजन सेकंड रो थर्ड रो दोनों पैसेंजर्स के, और एसी का थ्रो पीछे कमाल का आता है। सीट्स आर गुड, क्वालिटी गुड, रूमी होना चाहिए अर्टिगा, और स्पेस के मामले में टॉप नॉच। आगे बढ़ने से पहले मेरी एक बात सुन लो, अगर आप हो पंजाब से और आपको चाहिए टोयोटा की कोई भी गाड़ी, चाहे रूमियन हो, हाई राइडर, हाई क्रॉस या इवन फॉर्च्यूनर, इन नंबर्स पे कॉल जरूर कर ले। कैसल टोयोटा के पास आपके सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन है, और इतना ही नहीं, आपको मिलेगी यहाँ पर बेस्ट कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्विस भी। तो किस बात का वेट करें, कॉल करना ना भूलें। गाड़ी का वॉक अराउंड कर रहे तो इंजन के बारे में बात कैसे ना करें। सो दिस इज़ अ 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड, ट्राइड एंड टेस्टेड, पता नहीं कब से चलता आ रहा है, और 104 PS की पावर, 137 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क जनरेट करके देता है, और साथ में मिल जाती है आपको एक अच्छी रिफाइनमेंट और अच्छी माइलेज भी। बट डिफरेंस कोई नहीं, वही अर्टिगा लो चाहे रूमियो लो, माइलेज, पावर, परफॉर्मेंस, हैंडलिंग, एनवीएच लेवल्स, एवरीथिंग इज सेम। बट बात तो बतानी ना इंजन के बारे में, जिनको अर्टिगा का नहीं पता, रूमियन ही कंसिडर कर रहे हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि रूमियन में कौन सा इंजन आता है। इंसुलेशन यहाँ पर प्रोवाइडेड है, यहाँ पर भी रबर पैडिंग पेडेस्ट्रियन सेफ्टी के लिए भी, और एनवीएच में भी थोड़ी सी हेल्प करता है। चलो इसे बंद करते हैं और बात करते हैं कि डिफरेंस अब क्या क्या आ जाता है। तो लेट मी टेल यू अबाउट द डिफरेंस। 7 कलर ऑप्शंस आपको मिलेंगे अर्टिगा में, 5 कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं इस गाड़ी में, यानी कि रूमियन में। हालांकि सेम ही रहते हैं कलर्स में, ऐसे कोई और डिफरेंस नहीं आता। जो 7 है उसमें 2 जो फर्क आते हैं कलर्स का, वो था रेड एंड ब्लैक, जो कि अर्टिगा में एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। और अगर हम इसके प्राइस वेरिएंट्स की बात करें तो इसमें LXi वेरिएंट टेक्निकली नहीं है, यहाँ पर आपको अलग अलग वेरिएंट्स जो हैं वो टोयोटा की नॉमनक्लेचर के साथ मिल जाते हैं, जहाँ पर आपको एक VXi, ZXi और ZXi प्लस के नाम पे अलग अलग वेरिएंट्स मिलेंगे। और प्राइस की स्पेसिफिकली जो मतलब अर्टिगा में जो आते हैं उसकी कंपेरिजन में, और यहाँ पर आपके लिए सारे वेरियंट्स की प्राइस लगाया तो उनका डिफरेंस भी आपके लिए यहाँ पर लिख दे, तो एक अच्छा खासा आइडिया आपको हो जाएगा। बट द पॉइंट इसके प्राइस का डिफरेंस कितना, तो कुछ वेरियंट्स में 51,000 का, एक या दो वेरियंट में 57,000 का, और टॉप वेरिएंट में आपको 60,000 रुपीज़ का डिफरेंस आता है, जहाँ पर आप टोयोटा में एक थोड़ी सी प्रीमियम एक्स्ट्रा पे करते हो। बट वो किसके लिए, एक तो सर्विस, वारंटी, थोड़ा सा डिज़ाइन फ्रंट में और रियर में, नियो ड्राइव का बैज और टोयोटा का नाम आपको यहाँ पर मिल जाता है, कॉस्ट ऑफ ओनरशिप थोड़ी सी कम हो जाती है, सर्विसिंग कॉस्ट का थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। तो इन चीज़ों की वजह से आप कहीं ना कहीं यहाँ पर टोयोटा रूमियन चूज़ कर सकते हो। अब वारंटी में एक सिंपल चीज़ समझाता हूँ कि अगर आप एक 2 ईयर वाली वारंटी कोई भी गाड़ी लेते हो, उसमें एक्सटेंडेड वारंटी लेते हो, तो जो 3rd, 4th और 5th ईयर्स होते हैं उसकी वारंटी की पॉलिसी का, यानी कि जो क्लेमेंट्स होते हैं, जो उसके टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं, कवरेज डिफरेंट होती है। और अगर आप पहले वाली वारंटी, यानी कि जैसे 3 ईयर्स वाली ले रहे हो और 4th और 5th की डिफरेंट होती है, तो आपको एक्स्ट्रा टाइम 1 साल मिल जाता है, जिसमें आप कंपनी की एक्चुअल पॉलिसी, जिसमें फुल व्हीकल कवर होता है, तो वो वारंटी आप टोयोटा में ही क्लेम कर सकते हो एज कम्पेयर टू मारुति। तो ये डिफरेंस मेजर आ जाता है, प्राइस भी आपके सामने। अब अगर मेरी माने तो अगर आपको चाहिए एक बेस वेरिएंट, आपको एक 7 सीटर कम प्राइस में गाड़ी चाहिए, तो ऑफकोर्स आप अर्टिगा की तरफ ही जाएंगे। लेकिन अगर आपको चाहिए टोयोटा जैसा नाम, प्रॉपर उसकी सर्विसिंग, एक
यू नो वारंटी एक्स्ट्रा, तो डेफिनेटली रूमियन भी एक अच्छा प्रोडक्ट हो सकता है। बट 60,000 क्या वर्थ है या नहीं, ये आपने बताना है। नीचे कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर शेयर कर देते। सो दिस वॉज एवरीथिंग रिगार्डिंग द ऑल न्यू टोयोटा रूमियन। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। यहाँ तक देख लिया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना बोले, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर ले। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, लव यू गाइज, बाय बाय।